भारत में जनसंख्या घनत्व इस शब्द को हम समझते हैं। जनसंख्या के असमान वितरण तथा किसी क्षेत्र में भूमि और अन्य संसाधनों पर दबाव का चित्रण प्रस्तुत करता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य हम जाने तो इसका तात्पर्य है जनसंख्या एवं धरातल के निश्चित अनुपात से, जिसमें जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन होता है। यदि हम परिभाषा के रूप में इसको जानेंगे तो परिभाषा इसकी इस प्रकार से हो सकती है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल वो कितना भी हो सकता है, किलोमीटर में, मीटर में, या ज्यादा भी हो सकता है। अब भारत में जो जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र है वो गणितीय घनत्व निकाला जाता है, और वो किसी प्रदेश की भौगोलिक इकाई की जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल का एक अनुपात होता है। और इसका सूत्र इस प्रकार से है कि किसी प्रदेश या किसी भौगोलिक इकाई की कुल जनसंख्या में भाग दिया जाता है प्रदेश का जो वो क्षेत्र या प्रदेश की कुल क्षेत्रफल है उसका। इससे जो रिजल्ट आएगा वो गणितीय घनत्व कहलाता है। घनत्व के वैसे कई प्रकार है निकालने के, हम गणितीय घनत्व की बात करते हैं ज्यादातर अध्ययन में। गणितीय घनत्व के आधार पर ही हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आज। अब भारत में सन 2011 की जनगणना को जानते हैं हम, उसके आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विद्यालय स्तर के बच्चों के लिए और भूगोल विषय के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में हम देखते हैं भारत में औसत जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था। तो इसका आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत में जनसंख्या निवास कर रही थी सन 2011 की जनगणना में। अब इस औसत जो घनत्व भारत का 382, इससे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उसमें हम टॉप पे रखते हैं बिहार को, क्रमशः बिहार, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, थर्ड पे आ जाएगा आपका केरल, फोर्थ पे आपका उत्तर प्रदेश। बिहार है उसका जो जनसंख्या घनत्व था सन 2011 में वो था 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी इस भारत में सर्वाधिक व्यक्ति बिहार में निवास कर रहे थे। बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, इसका जनसंख्या घनत्व था 1029। तीसरे नंबर पर केरल 859, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश 828। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य है कि सर्वाधिक जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में निवासरत है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। पांचवें नंबर पर हरियाणा 573 यहां का जनसंख्या घनत्व है। छठे नंबर पर तमिलनाडु, दक्षिण भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो तो केरल है, और उसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु। यहां यदि प्रश्न को घुमा के पूछा जाए दक्षिण भारत के राज्यों का जनसंख्या घनत्व क्रमशः, तो पहले स्थान पर केरल और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, उसके बाद में और सकल दृष्टिकोण से छठे स्थान पर आता है राज्यों में। सातवें नंबर पर हम रखते हैं पंजाब को 555, तमिलनाडु का 555 है और पंजाब का 550, इसको दुरुस्त करके पढ़ेंगे। और झारखंड है उसका जनसंख्या घनत्व 414 आठवें नंबर पर। नौवें नंबर पर आसाम को लेते हैं 397 और दसवें नंबर पर गोवा राज्य, ये भी दक्षिण भारत का राज्य है, गोवा का है 394। इस तरह से हमने क्रमशः 10 राज्य देखे, ऊपर से जिनका जनसंख्या घनत्व अधिक है बिहार 1102, पश्चिम बंगाल 1029, केरल 859, उत्तर प्रदेश 828, पांचवें नंबर पर हरियाणा, छठे पर तमिलनाडु, सातवें पर पंजाब, आठवें पर झारखंड, नौवें पर असम और दसवें पर गोवा। इनमें दक्षिण भारत के जो केरल और तमिलनाडु है वहां जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण है कि केरल मालाबार तट पर, वहां कृषि जन्य सुविधाएं अच्छी हैं, और जो तमिलनाडु का उच्च प्रदेशीय क्षेत्र है उसमें बागाती कृषि है और कावेरी डेल्टा में जनसंख्या का जमाव अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश जैसे 31 अक्टूबर 2019 से तो जम्मू और कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश और बन गए, लेकिन उससे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे,
उन्हीं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। 2011 की जनगणना 7 केंद्र शासित प्रदेशों से हुई थी, तो उनमें सबसे ऊपर रखते हैं दिल्ली। यदि केंद्र शासित और राज्यों को दोनों को एक जगह करके देखें तो दिल्ली टॉप पे है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,297 है, प्रथम स्थान पर दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेशों में 11,297 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ 9,252, तीसरे स्थान पर पुडुचेरी जिसका 2,598 जनसंख्या घनत्व है, चौथे स्थान पर दमन और दीव, दमन दीव का जो जनसंख्या घनत्व है 2,169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, पांचवें स्थान पर लक्षद्वीप 2,013। इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों का जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या का जमावड़ा है, हमारे औसत घनत्व, औसत राष्ट्रीय घनत्व 382 से बहुत अधिक है। अब हम जानेंगे भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। सर्वाधिक नहीं, इसको न्यूनतम कहेंगे हम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश के बाद में सेकंड नंबर पर रखते हैं मिजोरम जिसका जनसंख्या घनत्व 52 है, थर्ड नंबर पर सिक्किम 86 जनसंख्या घनत्व है वहां का, फोर्थ नंबर पर मणिपुर का जनसंख्या घनत्व 112 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहां प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से तीन ऐसे राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 100 से भी कम है, तो उनमें अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52 और सिक्किम 86। इनके बाद जो शेष राज्य हैं उनका सबका 100 से अधिक है। चौथे नंबर पर मणिपुर 112, पांचवें नंबर पर मेघालय 132, छठे नंबर पर हम राजस्थान को रख सकते हैं 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश 308, आठवें पर कर्नाटक, नौवें पे महाराष्ट्र 365, कर्नाटक का 319। ये सब राज्य ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय औसत 382 से कम जनसंख्या घनत्व रखते हैं। इनमें हमने जाना कि ये जो क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या के कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं वो कौन से हैं। इनमें वही क्षेत्र हैं जो पहाड़ी हैं, मरुस्थली हैं, बीहड है, वन भूमि है, जहां की मिट्टी कम उपजाऊ है और कटे फटे और पथरीले वातावरण से युक्त वहां का भौगोलिक प्रदेश है, और या इसके साथ में वर्षा कम होती है, न्यून वर्षा होती है या मध्यम वर्षा होती है, या फिर छिछली भूमि है या वन प्रदेश है या भीड़ है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमावड़ा कम है, वहां जनसंख्या का घनत्व कम है, बजाय उन क्षेत्रों, और जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है उन क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ है, उन क्षेत्रों में जल सुविधाएं पर्याप्त है, वर्षा अधिक होती है और समतल मैदान है। तो ये जो हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं, भारत के भूगोल में हम जानते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेशों में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो जनसंख्या के अधिक जमावड़े के लिए उपयुक्त हैं, वो अलग से चैप्टर में हम देखेंगे। अभी इस जनसंख्या घनत्व वाले पार्ट में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, विभिन्न आईएएस तक से छोटी सी नौकरी से लेकर आईएएस की नौकरी तक विश्लेषणात्मक डाटा, उस पर हम दृष्टिपात करेंगे। तो देखते हैं भारत में पूरी शताब्दी के जनघनत्व के आंकड़े, उनमें हम शुरुआत करते हैं 1901 से। इस पिछली सदी में सन 1901 में जो जनघनत्व था वो मात्र 77 था, 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहां से लेकर 2011 की जनगणना में 382 हो गया। इसके मध्य में प्रत्येक 10 के जनगणना में, जो 10 साल में जनगणना होती है उसमें जनसंख्या घनत्व इस प्रकार से रहा, 1901 में 77, 1911 की जनगणना में ये बढ़कर हो गया 82, 5 अंक की वृद्धि हुई, 5 अंक वृद्धि होकर 82 हुआ। अगली जो जनगणना थी 1921 की, उस जनगणना में ये अप्रत्याशित रूप से कम हो गया जनसंख्या घनत्व और 82 से घटकर 81 हो गया, एक अंक की कमी दर्ज की गई। कारण उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध था और महामारियां थी, अकाल पड़े थे, वो कारण था इसका, जनसंख्या की कमी हुई थी इसमें। 1921 की जनगणना के बाद भी 77 तरीके से बढ़ रहा है 2011 को छोड़कर। क्रमशः देखते हैं हम 1921 में जो 81 था 1931 में बढ़कर हो गया 90, 9 अंक की वृद्धि हुई। 1941 में ये 103 हो गया 13 अंक की वृद्धि के साथ। 1951 में
स्वतंत्रता के बाद की जो पहली जनगणना थी 117, इसमें 14 की वृद्धि हुई 14 अंकों की। 1961 में 142 हो जाती है संख्या, 25 अंक की वृद्धि हुई। 1971 में 177 हो गई जनसंख्या घनत्व, वो उसमें वृद्धि हम देखते हैं तो 35 की होती है। 1981 में 216 जनसंख्या घनत्व दर्ज की गई 39 अंकों की वृद्धि के साथ। और 1991 में जो जनसंख्या थी, जनसंख्या घनत्व था, वो था 267, इसमें 51 अंकों की वृद्धि हुई। 2001 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व भारत का रहा 325, 58 अंकों की वृद्धि। अब तक की जो जनगणना है उसमें सबसे अधिक वृद्धि 58 अंकों की 2001 की जनगणना में दर्ज की गई। उसके बाद में जो 2011 की जनगणना हुई उसमें 382 जो जनगणत्व हम पाते हैं उसमें मात्र 57 अंकों की, मात्र तो नहीं कहेंगे है तो ज्यादा, लेकिन 57 अंक, 58 से कम है एक अंक। इस तरह से हम देखते हैं कि 1901 से लेकर 2011 की जनगणना तक 2010 की जनगणनाएं ऐसी हैं जिनमें जनघनत्व गिरा था। पहली 1921 की जनगणना जिसमें एक अंक की गिरावट हुई थी, और दूसरी 2011 की जनगणना जिसमें भी एक अंक की गिरावट हुई पिछले जनगणना के तुलना में। ये तो है हमारा इसे जो पिछली 11 जनगणना थी उनमें भारत में जनघनत्व के आंकड़े। अब हम देख लेते हैं इन आंकड़ों में कक्षा 10, 11 और 12 इन विषयों से संबंधित भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टॉपिक चलता है कि जनघनत्व वाले क्षेत्रों को बांटिए, उसका इसी में साथ में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य उसको कहेंगे जिनमें 500 से अधिक जनघनत्व है, जैसे हमारा जो हमने पढ़ा भी महाराष्ट्र, ये अपने बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, वो सब जो 10 राज्य अभी हमने पहले बात कर ली, चर्चा कर ली, वो सबके सब क्या है 500 से, सबके सब तो नहीं है, अधिकांश में 500 से अधिक है, पंजाब है, वो सब वो इस श्रेणी में आ जाएंगे। इन क्षेत्रों में उपयुक्त अभी विवेचन करते समय हमने बात की थी उपजाऊ मिट्टी है, अच्छी उपज होती है, नदी जलों से, नहरों से सिंचाई के साधन उपलब्ध है, वर्षा अच्छी होती है, तो इन क्षेत्रों में अधिक जनघनत्व है। इसके बाद में मध्यम जनघनत्व वाले जो हम बांटेंगे क्षेत्र, उसमें 300 से लेकर 500 जो घनत्व वाले हैं वो क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर निम्न घनत्व वाले जिसमें 300 से कम घनत्व वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है जिसका जनघनत्व 200 ही है, और आपका अरुणाचल प्रदेश, 17, मिजोरम, सिक्किम, और ये सब हम इस निम्न घनत्व वाले क्षेत्र में शामिल करेंगे, इस वर्ग में शामिल करेंगे जिनमें मरुस्थलीय है, पहाड़ी इलाके हैं। आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है ये, जैसे पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र है तो वो सारे इसी भाग में समावेशित किए जाएंगे। इस तरह से हमने जाना जनगणना 2011 से पहले और जनगणना 2011 के संदर्भ में जनघनत्व की तुलना की। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे भारत की जनगणना के संबंधित अन्य टॉपिक्स। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, भूगोल विषय से संबंधित और अन्य समसामयिक विषयों के और जो अदर विषय है उन पर भी आपको इस पर वीडियो देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और आपको जिस विषय पर सबसे पहले ये वीडियो चाहिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, उसी पे मैं पहले बनाने का प्रयास करूंगा, लॉकडाउन और इस स्माइल प्रोजेक्ट को सफल जो बनाना है। थैंक्स।